अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सोमवार को बाल संरक्षण विभाग द्वारा डिजाइन किए गए तोरण का कलेक्ट्रेट परिसर में अनावरण किया गया। हनुमा कोंडा जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारें लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने कहा, जिला महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा समाज में लड़कियों को उचित स्थान दिलाने के लिए चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। लड़कियां इस कार्यक्रम में DRDO श्रीनिवास कुमार, 2 सबीता, DMHO ललिता देवी, DEO नारायण रेड्डी, DCPO संतोष कुमार, POS प्रवीण कुमार और अन्य ने भाग लिया। तेलंगाना हनुमाकोंडा, नवभारत समाचार से कैमरामैन फिरोज के साथ गोवर्धन जोशी की रिपोर्ट।